हाय एंड साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपनी वेब सीरीज आश्रम में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को हैरान कर दिया था। आश्रम वेब सीरीज में बॉबी विलन की भूमिका में नजर आए थे। इस भूमिका में दर्शकों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया था। उन्हें अपनी शानदार एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एक न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने कहा था कि मेरी मॉम की दोस्तों ने मुझे फोन किया और कहा कि आश्रम में उनका किरदार भले ही नेगेटिव है, पर वह एक विलन के रूप में पर्दे पर काफी शानदार नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आश्रम में बॉबी देओल के विलन वाले किरदार को काफी तारीफें मिली। बॉबी देओल अपने अगले प्रोजेक्ट लव हॉस्टल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लव हॉस्टल में बॉबी एक विलन के किरदार में नजर आएंगे। अपने इंटरव्यू में बॉबी हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री का विलन बन गया हूँ। बॉबी से जब पूछा गया कि कहीं उन्हें टाइपकास्ट होने का डर तो नहीं है, तो इस पर जवाब देते हुए वो कहते हैं, टाइपकास्ट डिफॉल्ट रूप से होता है। आने वाले सालों में आप मुझे फिल्मों या वेब शो में बहुत सारे नेगेटिव शेड्स में देखेंगे, लेकिन ये सभी किरदार दूसरे से काफी अलग है। जब तक किरदार एक दूसरे से अलग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आप बॉबी देओल की फिल्मों का इंतजार कब से कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।